तो साल 2024 नए गंदम की कीमत में कल की निस्बत आज कुछ बेहतरी का जान देखा जा रहा है और नए गंदम की कीमत के हवाले से और खरीदारी के हवाले से बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करने लगे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि गला मंडियर अजनास के मुतालिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप भाइयों को बर वक्त मिल सके। तो अब बात करते हैं नए गंदम 2024 की कीमत के हवाले से। बात कर तो सादकाबाद में आज नए गंदम 3200 रुपये से लेगा 3370 रुपये, रीमिया खान गल्ला मंडी में 3250 रुपये से लेगा 3400 रुपये में, और खानपुर में आज नए गंदम 3250 रुपये से लेगा 3350 रुपये में फरोख्त हो रहा। हरूनाबाद के अंदर नए गंदम 3250 रुपये से लेगा 3300 रुपये, और फोटाबाद में नए गंदम 3150 रुपये से लेगा 3300 रुपये में फरोख्त हो रहा। हासलपुर के अंदर नए गंदम 3250 रुपये से लेगा 3290 रुपये में, फकीर वाला में नए गंदम 3300 रुपये से लेगा 3390 रुपये में, और बहावर नगर के अंदर नए गंदम 3250 रुपये से लेगा 3370 रुपये में, चीचा वतनी में नए गंदम 3250 रुपये से लेगा 3350 रुपये में। खरीदारी किसान पर भारी, जराये के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। बारदाना ऐप का स्टेटस भी इनएक्टिव, हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक खामोश। अगले 5 रोज में तूफानी बारिशों के इम्कान ने किसान को मजीद परेशान कर दिया। बारदाना ऐप पर बारदाना के लिए 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दरख्वास्तें ली गयी। ऐप पर 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल, 2,75,000 मुस्तरद हुई। बारदाना ऐप पर 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर की गयी। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है की दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी PITB ने मुस्तरद की।